गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू सामल। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो फाइनली IBPS PU 2021 उसका नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। तो नोटिफिकेशन में बेसिकली आपके जो एग्ज़ाम्स के जो फॉर्म फिल होने हैं उसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, और आपके डेट्स की एग्ज़ाम जो टीयर वन है वो कब होगा, टीयर टू कब होगा, उसके बाद इंटरव्यू कब होगा। तो हम गूगल पे हम टाइप करेंगे यहाँ पे IBPS PU 2021। जैसे टाइप करेंगे आपका यहाँ पे फर्स्ट लिंक में आ गया IBPS PU 2021 नोटिफिकेशन। ओके, आपकी टोटल वैकेंसी कितनी आई है, 4135। तो यहाँ पे लिखा हुआ है IBPS PU नोटिफिकेशन 2021। अब यहाँ पे हम क्लियर देख लेते हैं कि आपके जो नोटिफिकेशन है वो 19 अक्टूबर 2021, इट्स मीन कि आज ही अभी आउट हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका कल से स्टार्ट हो रहा है, 20 अक्टूबर टू 10 नवंबर। नेक्स्ट है आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका नवंबर में आ रहा है, और एग्ज़ाम जो फर्स्ट है वो आपका नवंबर लास्ट वीक में होगा या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में होगा। बेसिकली इन्होंने डेट डिसाइड नहीं किया, बस डाल दिया है कि फर्स्ट वीक या फिर लास्ट वीक। और जो आपके SC ST के लिए जो ट्रेनिंग जो दी जाएगी वो नवंबर में, मतलब आपके एग्ज़ाम से वन वीक पहले है वो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद रिजल्ट है वो आपके दिसंबर के लास्ट में आउट होगा, लिखा हुआ है दिसंबर 2021। इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता स्टूडेंट्स आने में ही, आपका जब मतलब दो सैटरडे आपका पेपर होता है, फर्स्ट सैटरडे एंड सेकंड सैटरडे और संडे भी। तो जैसे ही सेकंड सैटरडे संडे होगा पेपर, उसके 4 या 5 दिन बाद ही आपका रिजल्ट है वो आ जाता है। तो इट्स मीन आपको क्या है, बेसिकली मेंस के लिए पहले से ही प्रिपरेशन करके रखना पड़ता है। प्री और मेंस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, आपको मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम मिलता है। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद मेंस के जो एडमिट कार्ड है वो आउट हो रहे हैं आपके दिसंबर लास्ट वीक ही, और जनवरी में आपका यहाँ पे मेंस है। ठीक है, इट्स मीन क्या है, यहाँ पे आपको डेट ही नहीं दिखाई गई है, बस आपको मंथ है वो रिप्रेजेंट किए हुए हैं। फिर उसके बाद मेंस का जो रिज़ल्ट है वो आपका फर्स्ट वीक में, कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू आपका कब होगा, यहाँ पे मार्च में। ठीक है, और आपकी अलॉटमेंट बेसिकली आपकी अप्रैल में। इट्स मीन कि देखो, जो सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट जो प्रोसेस है वो बैंकिंग की है, कि 4 मंथ्स में आपका क्या होता है, पेपर निकल भी जाता है, मतलब आपका नोटिफिकेशन आउट होता है, फॉर्म भी फिल होगा, टीयर वन भी होगा, टीयर टू भी होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा और आपको अलॉटमेंट भी मिल जाएगी। क्योंकि अप्रैल में मोस्ट ऑफ द टाइम आपका 1 अप्रैल से इसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, टोटल जो वैकेंसीज है मैंने आपको बता दिया है, 4035। जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन ही होगा, और इसमें जो IBPS है उसमें टोटल अभी आपके कितने बैंक्स हैं, 11 बैंक्स हैं। पहले आपके कितने बैंक्स थे, 14 बैंक्स थे, जो कि 3 आपके इसी साल आपके प्राइवेट बैंक्स हो गए हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम मोड है वो ऑनलाइन पेपर होगा, कोई ऑफलाइन नहीं होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्री मेंस प्लस इंटरव्यू। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए कब, 10 नवंबर 2021। एज लिमिट है वो आपके 20 ईयर्स टू 30 ईयर्स, 1-10 के 1 नवंबर को आपके क्या है ये एज लिमिट होनी चाहिए। सैलरी है वो आपकी 52,000 से 55,000 होगी। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी www.ibps.in। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो, इसमें जो है पर्टिकुलर बैंक से आप वैकेंसीज में आपको इसमें दिखा देती हूँ, जो टोटल जो बैंक हैं आपका फर्स्ट है आपका, जो टोटल जो 11 बैंक्स मैंने बताए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई भी वैकेंसी नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया 588-240 आपकी जर्नल्स के कैटेगरी वाइज बाकी यहाँ पे है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 400 वैकेंसी, कैनरा बैंक 650 वैकेंसी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 620 वैकेंसी, इंडियन ओवरसीज बैंक 98, पंजाब नेशनल बैंक कोई वैकेंसी नहीं है, पंजाब एंड सिंडिकेट बैंक 427, यूके बैंक 440, एंड लास्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 912। टोटल जो वैकेंसी हैं आपकी 4135, और आपकी टोटल जो जर्नल में है वो आपकी क्या होंगी, 1600 वैकेंसी हैं।
तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और फिर भी किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और जैसे भी कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा तो मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।